देखो सलार, मेरी मां पारा से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं उसके खिलाफ हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी टीम हमारी फर्म का फेस है और उसकी रेपुटेशन पर मैं तुम्हारी वजह से कंप्रोमाइज भी कर रहा हूं। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। मैं आपको सारी सिचुएशन सारी बात बता चुका हूं, उसके बावजूद भी आप ऐसा कर रहे हैं। हाँ, मैंने उसे घर भेजा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो अपने आप को कंपोज कर सके। सर घर में बैठकर वो खुद को कंपोज कैसे करेगा? वो हमारे एक पूरे डिपार्टमेंट को हेड करती है सर। एग्जैक्टली, वो हमारी फर्म के पूरे डिपार्टमेंट को हेड करती है और उसे मैंने तुम्हारी वजह से हायर नहीं किया। मैंने उसमें एक जनून, एक स्पार्क देखा था जो हमारी फर्म और हमारे बिजनेस के लिए सूदमंद साबित हो सकता था। तो क्या सर, उसके अरेस्ट होने के बाद वो जुनून, वो स्पार्क दिखना बंद हो गया आपको? देखो, काम करना और काम की लगन होना एक आम सी बात है। हेड होने के लिए मजबूत आसार और उम्दा कुव्वत फैसले का होना जरूरी है। मुझे उसके अरेस्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करती है, इससे फर्क पड़ता है। वो एक औरत की जरा सी बात पर इस तरह भड़क उठी तो मीडिया के प्रेशर को कैसे हैंडल करेगी? सर आप इसे जरा सी बात कह रहे, उसके किरदार पर उंगली उठाई गई है। देखो, वो एक पूरी रात थाने में गुजार कर आई है। इस किस्म के सवाल हर बार और हर जगह होंगे तो वो ऐसे ही चीख चिल्ला कर उन सबको झूठा साबित करेगी? जरा सोचो, अगर यही सवाल औरत की बजाय कोई मर्द करता तो कैसे हैंडल करती है सिचुएशन को? बात करो उससे, ये उसके लिए भी जरूरी है और हमारी फर्म के लिए भी जरूरी है। और एक बात और, अगर मुझे उस पर यकीन ना होता तो आज वो यहां ना होती, सलाखों के पीछे होती। ठीक है सर, मैं बात करूंगा उससे। थैंक यू।